आपने एक बहुत ही टची चीज को पकड़ा है और उसकी एक कुछ हिस्ट्री है आ, मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन भी इस शो को देख रहे होंगे और उन्हें गुजरात के दंगों को लेकर के हमेशा वन साइडेड कहानी ही सुनाई गई है तो मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स को बर्स करना चाहूंगा अक्सर ही बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर तो यही खबरें जाती हैं कि मोदी के राज में आ, दो मुसलमानों को मार दिए लेकिन एक्चुअल फिगर 2000 नहीं है वैसे मुझे मुझे शर्म आ रही है ये नंबर्स बोलने में ये कोई खुशी का मौका नहीं है ये कोई खुशी की चीज नहीं है कि मैं ये कहूं सात सौ मुसलमान मारे गए थे दो सौ हिंदू मारे गए थे ये पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी जो कांग्रेस के राज में बाद में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेबल हुई थी और उस रिपोर्ट के ये फिगर्स हैं सात मुसलमान मरे दो हिंदू मरे ये बहुत बदकिस्मत नंबर है लेकिन ये ये फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के राज में आए थे अब इमीडिएट रीजन ये थे कि साहब एक ट्रेन थी जो अयोध्या जो हिंदुओं का एक बड़ा जैसे मुस्लिम भाई बहनों का जैसे मक्का मदीना होता है वैसे अयोध्या राम जी का जन्म जन्मस्थल माना जाता है वहां से तीर्थ यात्रियों की एक ट्रेन अयोध्या से लौटी थी वो गुजरात के गोधरा स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा आउटपोस्ट पे खड़ी हुई थी और उसमें जो यात्री थे तीर्थयात्री थे, थे कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे कुछ आरएसएस के कार्डर थे उनका अयोध्या में आना जाना लगा रहता है अचानक करीब हजार मुसलमानों की भीड़ उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के रिजर्वेशन थे बोगी नंबर एस सिक्स और एस सेवन इसे घेरती है अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो भिगो कर रूई के गद्दों को और तकियों को अंदर फेंका जाता है और आग लगाई जाती है जिसमें उनसठ हिंदू जिंदा जलकर मर जाते हैं २८ फरवरी सन २००२ का दिन था सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास का वक्त था इसमें उनसठ जो हिंदू जलकर मरते हैं जैसे कि आपको जानकारी इंडिया में जो आ, स्लीपर डब्बे होते हैं ना बहत्तर लोगों की सीटें होती हैं तो बहत्तर में से उनसठ लोग जलकर मर गए उनमें चालीस औरतें थीं और बच्चे थे अब इसके बाद में तीन मार्च से बदकिस्मती से इंडिया में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है ये कोई मोदी राज के साथ में शायद चालू नहीं हुआ है ये मैं कह रहा हूं मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं ना मैं कोई बीजेपी का मेंबर हूं लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का दंगों का इतिहास बहुत पुराना है बदकिस्मती से दंगे हो जाते हैं तीन मार्च से जब शुरुआत में इस खबर को थोड़ा दबाया गया लेकिन जब उनसठ लोग जिंदा जलकर उन पापड़ जैसे बन गई वो लाशें और उन लाशों को जब ट्रांसपोर्ट किया गया था तो वो लाशें जहां जहां से गुजरी वहां से ये खबर फैलती चली गई और तीन मार्च से दंगे फसाद चालू हुए जिनमें बदकिस्मती से जो मैं फिगर्स मैंने आपको बताई उतने लोग मारे गए थे अलबत्ता दूसरे फैक्ट्स जो हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी राज्य में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया हो पांच अप्रैल पांच मार्च का दिन था आर्मी की टुकड़ियां पहुंच गई थी फ्लैग मार्च करने के लिए दूसरी बात ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि पुलिस की गोलियों से सौ हिंदू दंगाई मारे गए थे ये फैक्ट्स हैं ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से कट्टर जो मुस्लिम्स के अंदर जो कुछ कट्टर और थे, उन्होंने वहीं के पास में गोधरा में करीब 50 मस्जिदें हैं 50-60 मस्जिदें छोटा सा कस्बा है लेकिन 50-60 मस्जिदें हैं हो सकता है हमें से कुछ मस्जिदों को सऊदी फंड्स आते हों, जहां पर वो वहां की जो एक्सट्रीम हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी वहां से प्रोपोगेट करते हैं एक मस्जिद से मोबिलाईज हुई थी वो 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 मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था और जिस तरह से जलाया गया ये ये भी पहला मौका था इंडिया के अंदर ये उसका इमीजिएट रीजंस थे इसके पीछे हिस्ट्री का थोड़ा सा और पीछे अब जाएंगे तो गुजरात की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त ये मार्च 2002 की बात है उससे ढाई महीना पहले जब दिवाली के आसपास का वक्त था तब ही मोदी जी को पैराड्रॉप किया गया था अटल जी और आडवाणी जी के कहने पर उनको सीधे उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था वे गुजरात में उसके पहले कभी असेंबली के मेंबर तो क्या चुनाव लड़ना तो क्या वे कभी किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे वे कोई इलेक्टेड फिगर नहीं थे और उस वक्त गुजरात में बहुत कई वर्षों से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चली आई थी हर छठे आठवें महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते थे और जो वहां की जो लोकल बीजेपी स्टेट बीजेपी थी उसके अंदर बहुत सारे गुट बने हुए थे और गुट आपस में ही लड़ते रहते थे वो हालांकि बीजेपी मेजोरिटी में थी लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था कांग्रेस बहुत होपलेस कंडीशन में थी लेकिन फिर भी वो इस इस इनफाइटिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी कई सालों से ही चल रहा था तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी जब किसी भी जगह पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसकी मार पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो जाता है पुलिस ढीली हो जाती है और पूरी सोसाइटी में भी एक एक एजिटेशन हो जाता है गड़बड़ हो जाती है तो इन सब चीजों की रोशनी में एक नए आदमी को आप उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं जिसके ज्यादा सपोर्टर्स भी नहीं थे और इंडिया में ऐसा होता है कि काफी चीजें इंटरपर्सनल तरीके से होती हैं चीफ मिनिस्टर की उस वक्त हो सकता है वहां के पुलिस पुलिस वालों से भी ज्यादा जान पहचान ना हो पुलिस वाले सुनते ना हो इवन खुद अपनी ही पार्टी के लोग ऐसे मौके पर नए मुर्गे की थी टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे आपको यहाँ पे इसलिए ठोक रहा हूँ आपकी पूरी कहानी हम तक पहुंची और बड़ी इंपॉर्टेंट है।, है जो हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है आपने एग्जैक्ट नंबर बताए कि हुआ क्या इंसिडेंट क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हुआ और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना तो मोदी साहब ने किया था मोदी साहब ने कंट्रोल किए और उसी स्टेट में जहां ये इंसिडेंट पहले हुआ करते थे फिर हमें आगे ये पता चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम कंट्रोल किया मैं कनाडा में गुआ हूं जब मोदी साहब हार्पर गवर्नमेंट के जमाने में यहां पर आए थे तो सबसे बड़ा डेलीगेशन गुजराती मुसलमानों का उनके साथ मिला था और कितने प्यार से वो मिले थे मैं इस वक्त काश में रेडी होता तो मेरे पास वो वीडियो में दिखाता अपने दर्शकों को ये तो वो फैक्ट जोड़ना चाहूंगा तीन इलेक्शन जीते हैं पांच पांच, पांच साल बिल्कुल ऐसा अगर अगर उन्होंने दंगे करवाए होते जैसा कि लोग बोलते हैं तो एक सिस्टमिक तो है उनके खिलाफ करने की तो कोई गुजरात की जो पब्लिक है इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड पब्लिक में से मानी जाती है वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी मास मर्डरर को एक के बाद में एक तीन इलेक्शन जिताएगी <laughs> और दूसरी और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये जम गए वहां पर तो इतिहास साक्षी है तारीख गवाह है कि उसके बाद में फिर गुजरात में कभी कोई दंगा नहीं हुआ जी और ये बड़ी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी इस आदमी की तनकीद करने के लिए लोगों को कुछ और नहीं मिलता है तो सत्रह साल पीछे जाते हैं राइट right. मतलब सत्रह साल से ये आदमी लगातार या तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था इन सत्रह सालों के कालखंड में इस आदमी के खिलाफ बोलने के लिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा है मतलब तो वो ये सत्रह साल पीछे जाना पड़ता है लोगों को अच्छा